गुड इवनिंग ट्रेस मैनेजमेंट तनाव को हम कैसे दूर करें ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर हिमोफिला फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेस्टर्न डिजन के वुमेन्स ग्रुप ने आज आज एक महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया हुआ है नमस्कार मैं रामू गडकर आपका आर लास्ट सभी वेबिनार सक्सेसफुल होने में आपका बहुत बहुत तो पूर्ण योगदान है आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे इसी कोट के साथ में मैं आ, हमारे उमन ग्रुप के एडोप कमेटी मेंबर अनीता भोसले मैडम को रिक्वेस्ट करता हूं कि गेस्ट का वेलकम करें अनीता जी गुड आफ्टरनून नमस्कार एवरीबडी मैं अनिता भोसले अडॉप कमेटी मेंबर पुणे चैप्टर से uh, पहले मैं सबका आभार प्रकट करके हुए सबका स्वागत करना चाहती हूँ uh, मैं अनिता भोसले आज हमारे मुख्य स्पीकर uh, डॉक्टर अशोक राजगुरु सर का पूर्वक और बड़े हर्ष से स्वागत करती हूँ वेलकम सर उसके बाद मैं हमारे साथ Namaskar. हमारे जुड़े हुए प्रे... हिमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मुकेश जी गरुड़िया साहब का भी इस वेबिनार में स्वागत करती हूं। वेलकम uh, मुकेश जी। uh, मैं हमारे पीपीडी uh, सत्यनारायण जी साहब का भी इस वेबिनार में जुड़े रहने के लिए बहुत uh, मनकपूर्वक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। वेलकम सर। Uh, और फिर थैंक यू सर और फिर मैं मेरे मै, हमारे वुमेन ग्रुप मेंबर uh, और हमारे मेटॉर हमारे वेल विशर उषा जी पार्थ सार्थी मैडम का स्वागत करती हूँ उषा जी वेलकम में निनार मैं uh, आगे बढ़ते हुए हमारे सोनल uh, मैडम जो हम हमारा uh, हमेशा सपोर्ट करती है जो हमारे वुमन्स ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं उनका स्वागत करती हूँ वेलकम सोनल uh, जी फिर मैं thank हमारे you. बहुत फिर में हमारे बहुत ही एनर्जेटिक और मुखिया जो जैसे हमारे लीडर कहते उन रामू जी जो हमको हमेशा इंकरेज करते सपोर्ट करते और रामू जी का स्वागत करते वेलकम रामू yes. जी आपके बिना ये कुछ भी हमको पॉसिबल नहीं है तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिन स्वागत करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ फिर हमारे वुमेंस ग्रुप के आ, मेंबर जो अशोक देवकर साहब और जो दीपक जी है वो हमेशा हमको आर मीटिंग में हमेशा हेल्प करते हैं वेस्टर्न रीजन में वुमन्स ग्रुप की कौन सी भी मीटिंग हो हमको बढ़ावा देते हैं तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और सबसे बड़ी बात हमारे आ, जो एडॉक कमेटी मेंबर है इंदिरा जी माया जी रूही जी नबीला जी और इन सभी मेंबर के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते तो इन सबका मैं स्वागत करती हूँ और सबसे और एक स्पेशल जो जिसका मैं सबसे अच्छी तरह से स्वागत करना चाहती हूँ वो है हमारा यूथ ग्रुप मेंबर सौरभ नलेश्वर कभी भी उसको फोन किया कभी भी उसको बुलाया तो वो हमेशा हमारे साथ हेल्प करने के लिए एकदम तैयार रहता है तो उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया मानकर स्वागत करती हूँ अगर मेरे हाथ से अगर मेरे जुबान से अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं आपको यही क्षमा करती हूँ रह गया गलती से हो गई तो आप मुझे बड़े दिल से माफ कर दीजिए और मैं हमारे सब व्यूवर और हमारे सब जो देख रहे हैं अभी हमारा प्रोग्राम तो उन सब का भी वेलकम करती हूँ और स्वागत करती हूँ एक्चुअली ये मुख्य वेबिनार हमने इसके लिए रखा है जो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए सर तो ये हमारा ये है कि हमारे पीडब्ल्यू सभी पीडब्ल्यू और विद्यार्थी को मदद करना है मुख्यतः जो इस परीक्षा काल में जो तनाव में आते हैं जो तनाव लेते हैं जो, है, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे मेंबर्स फेस करते हैं जैसे उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है जॉइंट में प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन में चले जाते चले जाते तो उनको स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए उनको आ, कैसे मदद मिले एक्चुअली ये हमारा वेबिनार का उद्देश्य है तो उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमने हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अशोक राजगुरु सर से बुलवाया बुलाया है तो उनके आ, उनकी मदद से और उनके कुछ सलाह से शायद हमारे पीडब्ल्यू को वो जो ट्रेस लेते तो वो कम हो जाएगी और शायद समाप्त की हो जाएगी तो इसके सबका मैं और ये कहती हूँ की ये तनाव मुक्त वातावरण से वो मुक्त हो जाए और हमारा जो उनका गोल है वो यशस्वता के साथ हासिल कर सके यही हमारा मेन उद्देश्य है तो आपके मैं सबको गिनती करती हूँ कि इस लास्ट एंड तक आप आखिर तक हमारे साथ बनाए रखिए और अगर कुछ चुप भूल हो गई तो माफ कर दीजिए थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम यू ऑल अगेन थैंक यू यस थैंक यू अनिता मैडम थैंक यू वेरी मच आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी का वेलकम करा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उमस ग्रुप चेयरपर्सन सोनल साकरिया मैडम को जो हमारे मुख्यालय फेडरल के उमस ग्रुप को लीड करती है आ, प्लीज डॉक्टर अशोक राजगुरु सर का इंट्रोडक्शन दे सोनल जी थैंक यू रामू भैया गुड आफ्टरनून ऑल और ये आज जो हमने प्रोग्राम रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके तो हम ये बारे में सोचे कि हिमोफीलिया को लेके हम सब हिमोफीलिया को के साथ कनेक्टेड है और आज का जो ये वर्चुअल मीटिंग हम ऐड करेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात तो अशोक जी फिट करने वाले है कि ये दिन भी चले जाएंगे कि हर दिन एक जैसे नहीं रहते है कल भी हमने अशोक जी से बात करी है हम आ, काफी रिलैक्स हो जाते हैं उसके साथ बात करने के लिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एंड तक ये प्रोग्राम में बने रहें और उसको पूरा सुने आपके कुछ को जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको मिलेंगे और अगर मैं उसके डॉक्टर अशोक राजगुरु का बायोडेटा बना बया करने बैठू तो शायद दो दिन भी हो जाए पर इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर अशोक राजगुरु मेंबर ऑफ नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन यूएसए में है और डायरेक्टर एट सहना एजुकेटर एंड काउंसलर एल अशोक जी क्लासिकल मास्टर इन योगा एंड आयुर्वेदा में भी है uh, और फिर फॉर बीइंग ग्रेट स्टूडेंट अशोक जी को शेम्यूअल हैनीमैन पुरस्कार इन ब्रिटिश होम्योपैथी से नवाजा गया है योग वेदांता धनवंसी आश्रम केरला में वो योग टीचर है और उसके पास बहुत सी डिग्री बहुत से क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप है और हम आज बहुत ही लकी है कि डॉक्टर अशोक जी के साथ हमको ये बातचीत करने का मौका मिला है बिकॉज ऑफ अनिता जी और थैंक यू सो मच अनिता जी कि ये आपने प्रोग्राम रखा विमेन्स ग्रुप के लिए और हम सबको काफी कुछ जानने को मिलेगा और मैं इसके साथ वेलकम करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट सर मुकेश गरोड़िया जी वाइस प्रेसिडेंट सत्यनारायण जी और हमारे में मेंटर उषा पार्टी जी और मेरी हेड ऑफ कमिटी मेंबर इंदिरा नायर जी नबीला जी रूही जी अनिता जी और माया जी और पूरा देश हम सबको सुन रहा है तो ये प्रोग्राम विमेन्स ग्रुप वेस्ट वेस्ट के ग्रुप ने है तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम जो ये पांचों है वो खुद का इंट्रोडक्शन दे इंदिरा जी हाथ से शुरू करते हैं इंदिरा जी प्लीज अपना स्पोर्ट में इंट्रोडक्शन दे नायर मैं विमेन ग्रुप एडहॉक कमेटी में बॉम्बे चैप्टर से मेरा लड़का हेमोफिलिक है थैंक यू थैंक यू इंदिरा जी नबीला हेलो नबीला नबीला जी शायद नेट का कुछ इश्यू है लगता है <laughs> <Net>. <laughs> ओके okay, अनीता जी प्लीज अपना इंट्रो दीजिए नमस्कार मैं अनीता भोसले इट्स एफ ऑफ कमिटी मेंबर फ्रॉम पुणे चैप्टर थैंक यू ओके okay, थैंक यू सो so मच रामो जी प्लीज आगे बढ़ाइए यस थैंक यू सोनल बेन थैंक यू वेरी मच आपने गेस्ट uh, का वेलकम करते करते कमिटी मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन करा है बहुत अच्छा लगा और डॉक्टर राजगुरु सर का जो जो दो दिन uh, पढ़ने वाला बायोडाटा आपने शॉर्ट में इतना अच्छा बताया तो हमारे व्यूवर्स को तो उनके बारे में जानकारी आ ही गया होगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मेंटर ग्रुप के मेंटर उषा पार्थोसारी मैडम को कि आज के प्रोग्राम के लिए बेस्ट विशेष में दो बात कहे ऊषा पार्थोसार्थी मैडम प्लीज Good afternoon, everybody. I'm very happy and very pleased to be here. I have a son with hemophilia, too, and my father was a hemophilic, and I am from Chennai. Thank you. Hmm. Yes, uh, thank you, Usha, madam. Thank you very much. Uh, I request uh, our Vice President Development, our uh, Aran, sir, please uh, give some words to today's webinar, sir. Please. Thank you, uh, Ramoji. My name is Satyana Rainan. I am the Vice President Development of Haemophilia Federation India. And also, I am the Secretary of Haemophilia Society Madras Chapter. I am a person with Haemophilia. यस सत्यनारायण सर थैंक यू वेरी मच आप खुद ही है और आज का ट्रेस मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है आपके लिए भी महत्वपूर्ण है मैं आखिर में हमारे रोल मॉडल प्रेसिडेंट श्री मुकेश गरुड़िया सर को रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने तो आज सुबह से प्रोग्राम चल रहा है अभी वहां पे रात चल रहा है उन्होंने गजर लगाया था तीन बजे का उन्होंने बताया था कि भाई तीन बजे आपके प्रोग्राम में ज्वाइन हो गया उन्होंने वादे के मुताबिक आ गए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुकेश सर को कि प्लीज आज के प्रोग्राम में प्रोग्राम के बारे में आपके बेस्ट विशेस दे और उम्र ग्रुप को मोटिवेट करें थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रामू जी एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी स्पेशल वेलकम टू डॉक्टर अशोक राजगुरु सर फॉर टेकिंग टाइम आउट टू मोटिवेट आवर हेमोफिलिया फैमिली एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस आई वुड से Crazy time of the pandemic COVID nineteen. Uh, we we all hemophiliacs and our teens, our family members do need encouraging words, and none best than uh, you, Asok sir, who is a PhD and a homeopathic practitioner as a teacher. And as Sonal Ban said that if we start talking about your uh, profile, it might take. Uh, minimum forty-eight to seventy-two hours. You never know. So we are very fortunate that you know you have been uh, able to take time out for our hemophilia community in this uh, busy schedule of yours. I'm looking forward to hearing from you, learning from you, and educating from you, so that we can have a stronger life, especially during, as Mr. Ramu Gadkar told me. That as is exam periods time and we the hemophilic students and uh, uh, their siblings who are non hemophiliac as well as their parents need to be motivated. So thank you so much, uh, Dr. Rajguru sir. We uh, from Hemophilia Federation India welcome you today, and we are looking <coughs> forward for a very educative session today. Thank you so much. And I at the same time. Uh, appreciate the efforts made by the western region ad hoc committee woman coordinator especially mrs. Uh, anita Bhusle madam and i see that you know the woman group of most of the ad hoc committee members from west are in red so there has to be a reason behind mm -hmm. that and red is the color of hemophilia so it looks great on you guys thank you so much ramuji thank you for organizing thank it you. and hope that you know i won't taking much time

Uh, मेरा संपर्क अनीता जी और सौरभ जी और रामू जी के साथ रहा और uh, उनके आग्रह पे मुझे ये संधि मिली इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ तो आज का मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ आज की जो थीम है वो है मूविंग बियॉन्ड लेबल्स एंड ओवरकमिंग स्ट्रेस असल में स्ट्रेस जो शब्द है इसको मेडिकल डिक्शनरी में लाने वाले जो गृहस्थ थे उनका मैं आपको नाम बाद में बताऊंगा लेकिन अंग्रेजी उनकी मातृभाषा नहीं थी तो उन्होंने अनेक सालों के बाद बोला कि मुझे स्ट्रेस नहीं मुझे स्ट्रेन शब्द यूज करना चाहिए था और अभी आपने सुना होगा मुझे याद नहीं है कि मुकेश जी थे या कौन थे उन्होंने कहा था तनाव तो असल में स्ट्रेन और तनाव एक है तो हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो इस चीज को ज़्यादा अच्छी तरह से अपने भाषा में ढाल लेती हैं तो इसका कारण यह है कि एक्चुअली मैं हूँ रहने वाला पुणे का और पुण्य नगरी जो है उसे पुण्य नगरी भी कहते हैं और यहाँ के लोगों की एक खास बात है वो अपने आप को बड़ा ग्रेट समझते हैं अब ये बात सही है या झूठ है ये आप कार्यक्रम के अंत में बताइए यहाँ पे और भी आ, पुणे वाले हैं अब आप ये देखिए कि पूना में अंदर आने के पहले ये माइल आपको शायद दिखाई देगा और वो है लीव योर एटीट्यूड बिहाइंड वी हैव आवर ओन ठीक है जी और वैसे ही इन लोगों ने मराठी में भी एक लिखा हुआ है If you don't have an opinion about any, something, please don't enter this town. So, a Pune person has got an opinion on everything. So, I will start on that note, and uh, that will also help us to understand the theme of today's presentation. Now, I just am showing you four pictures on the screen. Okay, on the top left, there is one lady, it's a caricature. On the top right, there is another gentleman with glasses and there are two other famous personalities that is on the left is dr c v raman and on the right is dr subramaniam chandrasekhar now if we were to say how will you describe all these four people in one word it will be quite difficult because the one on the top those two people are corporate leaders they are very much in this world the ones on the lower side are also celebrities in a way because they are both nobel laureates they have made major contributions and also uh, changed the impression of India in the international sphere. So, what can we say? Some people are alive, some are not there. There is one lady, there are three men, uh, two are corporates. So, it will be quite difficult to put a label on them. Like I put a label on punekars as all the Puneites or punekars are having a certain attitude. Can I call these people Tambrams? देट वुड नॉट बी अ गुड डिस्क्रिप्शन बिकॉज दैट विल ओनली कवर सर्टन आस्पेक्ट ऑफ देयर कॉमन हेरिटेज सो देट वुड नॉट बी अ गुड लेबल सो लेबलिंग हैज इट्स ओन इनहेरेंट नॉट ओनली डिसडवाटेजेस बट लिमिटेशन ऑल्सो सो लेट्स मूव ऑन सो लेबल इज अबाउट होमोजेनिटी अगर कोई चीज होमोजीनियस है एक जैसी है समानार्थी है तब हम उसके ऊपर लेबल लगा सकते हैं जैसे कोका कोला की बोतल अब कोका कोला की बोतल आप चाहे अमेरिका में लीजिए या हिंदुस्तान में लीजिए उसका लगभग जो है वो टेस्ट एक ही होगा उसका कलर उसकी बोतल एक जैसी होगी तो यहाँ लेबल लगाना ठीक है लेकिन आप अपने हर जगह मिलने वाली एक थाली लीजिए अब चेन्नई में मिलने वाली थाली या बेंगलोर में मिलने वाली थाली पुणे में मिलने वाली या इवन विद इन पुणे एंड मुंबई अलग अलग अगर आप रेस्टोरेंट्स में होटलों में जाएंगे या घरों में जाएंगे तो थाली जो है उसका स्वाद और उसकी टेस्ट और उसके अंदर जो आपने डिशेस बनाए वो भी अलग होंगी इसलिए हमें लेबल से दूर हटना है क्योंकि लेबल क्या करता है उसके अंदर की जो इनहेरेंट क्वालिटीज है उसको हटा देता है और ये चीज बहुत गलत है इसलिए लेबल लगाने से हमें दूर रहना इसलिए हीमोफिलिया का जो लेबल है मैं आज की प्रेजेंटेशन में जहां तक हो सके मैं एक या दो से ज्यादा बार नहीं इस्तेमाल करूंगा आई विल टेक केयर ऑफ दैट अब हम आगे चलते हैं और अब देखेंगे कि हमें एक और मुझे कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाना है वो है फोकस 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 एंड डेप्थ ऑफ़ अब focus तो हम समझते हैं अगर कोई चीज हमें धुंधली दिखाई देती है तो हम कहते हैं भैया आउट ऑफ फोकस है अब आजकल क्या है कि मोबाइल में इतने एडवांस ये आ, कैमरे आ गए हैं कि लोगों को फोकस एंड डेप्थ ऑफ फोकस की परवाही नहीं करनी पड़ती अब आप इस तस, चित्र को देखिए इस चित्र को जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आप दो चेहरे देख सकते हैं लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है बैकग्राउंड में वॉल पेपर है या कोई दीवार है या क्या चीज है और हमें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता ये कहाँ ली गई है क्यों ली गई है ये हमको समझना जो है इस तस्वीर से पता नहीं चलता हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे जूम किया है अब ये 400 सौ mm मिलीमीटर के जूम से चेहरे हमको अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड को हम खो बैठे हैं हमें पता नहीं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है अगर हम इसको थोड़ा दूर से जाएं 100 मिलीमीटर mm की लेंस लगाएं तो अब आपको हमको समझ में आता है कि ये एक मैदान में खड़े हैं एक मेडो है पीछे एक जंगल है अब हमको समझ में आता है कि इस पिक्चर की थीम क्या है इसके पीछे एक कहानी है इसके पीछे इनके मुस्कुराहट के पीछे कोई एक स्टोरी है जो कि हम समझना चाहेंगे ये जिज्ञासा हमारी, हमारी उत्सुकता इसमें जागरूक होती है इसलिए जब हम जूम करते हैं किसी चीज को तब हम क्या खो बैठते हैं हम डेप्थ ऑफ फोकस खो बैठते हैं तो हमें दोनों चीजें चाहिए हमें फोकस भी चाहिए जब जरूरत पड़े तब जूम चाहिए लेकिन ज्यादातर हमें जो है डेप्थ ऑफ फोकस चाहिए तो ये अगर हम रखेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी हमारे तनाव को दूर करने के लिए क्योंकि तनाव कब होता है तनाव हमें तब होता है जब हम डेप्थ ऑफ फोकस खो बैठते हैं आसपास चल रही चीजें और हर एक चीज जो होती है अपने जिंदगी में हमारे विश्व में उसका एक दूसरे के साथ संबंध होता है तो हमें डेप्थ ऑफ फोकस भी नहीं लूज करना है हमें फोकस भी रखना है हमें जब जरूरत पड़े तो जूम भी करना है और जब हमें नहीं चाहिए तब हमें जूम आउट भी करना आना चाहिए तो ये दो कॉन्सेप्ट हम अपने साथ गांठ मान के रखेंगे लेबल एंड डेप्थ ऑफ फोकस क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे जब आप हीमोफिलिया का नाम लेते हैं अब ये मैं दूसरी बार इसका इस्तेमाल कर रहा हूं इस शब्द का तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आती है कि कुछ चीज ठीक नहीं है दूसरा जो होता है वो है कि लोग जो है वो लिमिटेशन के ऊपर आपकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं आपके अंदर जो आपकी शक्तियां हैं आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो लोग जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है वहां पे डेप्थ ऑफ फोकस लूज हो जाता है दूसरी चीज जो है तीसरी वो है स्टीरियोटाइप। टाइप हर एक किसी एक व्याधि के साथ लोगों का स्टीरियोटाइप या स्टिग्मा होता है वो स्टिग्मा हर एक व्याधि के साथ होता है अगर बीपी है तब भी स्टिग्मा है अगर आ, डायबिटीज है तब भी स्टिग्मा है अब ये सारे स्टिग्मा स्टीरियोटाइप्स लगाना तभी बंद हो सकता है जबकि हम लेबल बनाना बंद करें और लेबल लगाना बंद करें अब हम आते हैं दूसरी चीज पे हर व्याधि के साथ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ जो है वो बर्डन ऑफ गिल्ट होता है ब्लेम होता है या पिटी करते हैं इस तरह की जो हमारी इमोशंस हैं नेगेटिव इमोशंस वो उत्पन्न होती है और उससे जो है सभी को तकलीफ होती है उसको जिसको कि वो व्याधि है और बाद में जो है एक सबसे जो डैमेजिंग uh, चीज जो होती है जिससे की सबसे ज्यादा हानि होती है वो है लोअर एक्सपेक्टेशंस अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई दूसरा रिश्तेदार है तो ऑटोमेटिकली समाज जो है टीचर जो है या इवन पेरेंट्स जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है उनको लोअर करते हैं और इससे क्या हो जाता है कि हम एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अगर ये और कोई सामाजिक वैल्यू होती उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो भेदभाव हो रहा है लेकिन यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि ये भेदभाव ठीक है तो हमें दो चीजों से बचना है लेबल लगाना बंद करना है क्योंकि लेबल में जो है उस मनुष्य की उस व्यक्ति की विशेषता क्या है वो हम खो बैठते हैं और दूसरा जो है डेप्थ ऑफ फोकस डेप्थ ऑफ फोकस भी हमको नहीं खोना है जब जरूरत पड़े जरूर जूम इन कीजिए जब उस चीज की कोई तकलीफ है लेकिन अपना जो है वाइड एंगल विजन रखिए एक मैं चलते आपको बात बता दू क्योंकि मैं फोटोग्राफी का काफी शौकीन था अपनी जवानी में तो हमारी जो आंख है भगवान ने दी हुई उसका जो फोकल लेंथ होता है वो फिफ्टी एम mm होता है लेकिन आजकल जो जूम लेंस होते हैं वो आते हैं राइट फ्रॉम चौदह एम एम अट्ठाईस एम एम से लेके पांच सौ सात सौ तक जाते हैं तो इससे होता क्या है उससे अब आप देखिए क्या होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब आपको मैं ये स्क्रीन के ऊपर दो आप लेडीज को देख रही हैं, दो महिलाएं हैं एक का नाम है इलेन मिशन और दूसरी जो है वो है जेन वाइल्ड क्या आप इनको पहचानते हैं क्या आपको किसी चीज की याद आती है Do you? I'm showing two pictures on the screen. I've got a request that I should speak in English, so I'll switch over to English now. So, friends, uh, so far we have covered uh, the fact that there are two aspects we have to be careful about. One is applying labels, labels limit our view of uh, people around us, and the depth of focus means we must see everything in context. So, on the screen now, you can see the picture of two ladies. One of them is Elaine Mason and the other one is Jane Wilde. Do you know them? Have you heard of them? Are they celebrities? I can say with a very safe guarantee, and I can bet on it, that most of the people have not heard about them. So I'll just uncover and you will be able to see the context. In other words, I'm now going to do an act which is going to bring it into context. These these are marriage photographs. Now, can you recognize the person who is with these two ladies? In दो महिलाओं के साथ कौन जनाब hai जेन वाइल्ड जो है राइट हैंड साइड की उनके वो पहले हस्बैंड थे या वो उनकी पहली वाइफ थी और ये हैं स्टीफन हॉकिंग वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी फिजिसिस्ट जो अभी कुछ रोज पहले हु एक्सपायर्ड फ्यू डेज अगो और दूसरी जो है वो है इलेन मेसन हिज सेकेंड वाइफ

बीमारी है वो इतनी भयंकर है कि वो उसके आगे नहीं जी पाएंगे फिर भी उन्होंने जो है वो शादी की क्योंकि वो अपना एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करना चाहते थे वॉट शी वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम बींग प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड शी वॉज अ पोएट शी जस्ट सिंपली बिकेम अ Caretaker, a caregiver. She was homebound. Or 30 years, for 30 long years she suffered that. And finally, both of them agreed that they must divorce. That means the burden of caretaking is so much, it can be so stressful that even in people who were ideally matched, who were getting married only because of their strong love, it can take its toll. मांग सकता है और उनको डाइवोर्स लेना पड़ा फिर बाद में स्टीफन हॉकिंग जी ने किसके साथ शादी की उनकी नर्स के साथ वो नर्स भी उनको खूब केयर लेती थी दस साल तक उनकी शादी टिकी उसके बाद उन्होंने फिर डाइवोर्स लिया और उसके कुछ सालों के बाद वो गुजर गए कहने का जो है भावार्थ द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट केयर गिविंग एंड केयर टेकिंग ऑल्सो इज ए बिग बर्डन एंड वी कैनॉट ट्रीट इट लाइटली एंड दैट कैन बी द कॉज ऑफ स्ट्रेस वो तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति है ये हमको मान्य करके चलना पड़ेगा लेकिन समाज जो है हमारे ऊपर कई बार ये लादता है कि तुम एक फादर हो तुम एक मदर हो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है एटसेट्रा एटसेट्रा लेकिन इंसान तो इंसान है भाई ये तो हमें जानना पड़ेगा अब मैं आपको एक यहाँ पे केस दिखा रहा हूं जो कि मुझे आपके किसी एक सदस्य ने भेजा था कि एक हीमोफिलिया के बच्चे के पिताजी हैं और वो जो है उनका एक चेहरा होता है लोगों के सामने वन फेस इन द सोसाइटी एंड ऑपोजिट फेस With the people. Ghar mein jab ke misbehave karte he is very angry, very critical, and he can even get violent. He is very short tempered. Whereas outside, he is a very likable person. He is, very, he is a thorough gentleman. He is very soft in his behavior. And these incidents of physical assault are increasing. Also, they are wondering whether he is bipolar. Is he incompassionate? Should he seek a counselor? Should he be sent to a psychiatrist? हाउ शुड दे टैकल विद दिस सिचुएशन दिस इज रियल लाइफ सिचुएशन आप में से किसी ने मुझे बताई हुई चीज है लेकिन दिस इज नॉट हीमोफीलिया की जगह जो है ये आप कोई दूसरा लफ्ज भी डाल सकते हैं इसमें लुकेमिया आ सकता है इसमें ऑटिस्टिक चाइल्ड आ सकता है इसके अंदर कैंसर आ सकता है किसी भी किस्म की व्याधि अगर है जिसके लिए केयर गिविंग केयर टेकिंग हो तो पूरा घर का जो फोकस होता है फिर हम वहीं पे जा रहे हैं फोकस एंड लेबल के ऊपर एक लेबल एक फिर फोकस हो जाता है लेकिन उससे क्या है कि लोगों की जिंदगी में इतना तनाव बढ़ जाता है इतना तनाव बढ़ जाता है कि पूरे घर का वातावरण जो है वो कठिन हो सकता है बहुत बन जाता है उस चीज का इतना बोझा बन जाता है इन जनाब को देखिए इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है दिस जेंटलमैन स्पेंट अ ऑफ मनी इन बाइंग वन ऑफ द बिगेस्ट जूम लेंसेज लेकिन देखिए कितने कष्ट में है कैन यू सी इन द बैकग्राउंड He is really laboring to hold that Zoom lens. So, one is the caregiver and the other is a care receiver. That lens is not supported on a stand. So, even the lens is not happy because a little bit of shaking and the whole picture will be disturbed. It becomes very burdensome. And the only topic of discussion at home or between the dialogue that is going on between everyone is about doctors, hospitals, medicines, test reports, ugly appointment, and stuff like that.

पिताजी के साथ जो किस्सा बताया वो स्वाभाविक भी हो सकता है लेकिन हमें उसका हल निकालना है हम उनको ये नहीं कह सकते भैया थोड़ा अपना एंगर कंट्रोल करो चार सांसे लो आंखें बंद करो अरे वो तो सब ठीक है लेकिन वी हैव टू गो डीपर और ये कोई एक दो दफा की बात नहीं है ये तो पूरी जिंदगी भर का बर्डन है सो आई फुली फैमिली विच इज जेनेटिक डिजीज जिसका इलाज जो है वो वर्चुअली है ही नहीं और हमें सिर्फ मैनेज करना है तो बेहतर यह होगा इट विल बी मच बेटर इफ वी आर एबल टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस अगर हम जिंदगी में तनाव कम कर सकें स्ट्रेस जो होता है वो इतना ना पहुंच जाए कि टूटने की बारी आ जाए द स्ट्रेस शुड नॉट रीच अ ब्रेकिंग पॉइंट दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर एंड फॉर दैट वी शैल सी एंड एक्सप्लोर सर्टन पॉसिबिलिटीज अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रेस तनाव क्या होता है It it. is actually a response of the body to demands placed upon it. Anything can cause stress. In fact, little stress is good because if there is a stress up to a certain limit, you will be able to perform better. अगर स्ट्रेस नहीं होगा कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता ना कोई चांद के ऊपर उतर सकता है ना कोई बहादुरी कर सकता है सेना का जवान तो स्ट्रेस तो जरूरी है लेकिन एक क्षमता उसकी आदमी की जो होती है अगर एक्सीड कर जाए वंस यू रीच अ लिमिट देन द परफॉर्मेंस स्टार्ट फॉलिंग डाउन It is just like a uh, inverted U curve. So, what we have to now see is that this slide is not moving. It is an autonomic response. Automatically, body does that. And further to that, what we are we must notice. Yeah. One moment. Uh, the slide show is i think a little slow it causes hormonal changes and hormones as you know are uh, in your they enter your bloodstream and they circulate throughout the body with every kind of a stress with every kind of an emotional response there is an associated hormonal change and in the long run what it does is that those hormones in that quantity are going to damage various parts of your body you might end up with having high blood pressure, you might end up with having stiffened arteries, you arthritis, ho sakti hai, kidney, ki ho sakti, allergic reactions. And in the the root cause of all this is stress. So, stress and disease is very closely connected, and this has been studied medically. This the biggest contributor to that was Dr. Hans Selly. He was nominated for the Nobel Prize 17 times. He was able to prove in the laboratory, not only with rats but also with human beings, that stress can be the cause of disease. But he never found an answer for that. Now, today, we have got so many experts through their clinical experience, through their study and research, they have been able to develop many methods, and we shall be exploring it. Some of them. So, one of them is Dr. Gabor Mate. He is also a Hungarian and uh, he is now settled in Canada, very brilliant psychiatrist, but he has stopped using any kind of medicines for all his psychiatric cases. Now, case is Dr. Gerald Epstein, an uh, American doctor, hai. Gerald Epstein, MD, psychiatrist, and he went to Israel. He a lady a traditional. थेरेपीज uh, करती थी और उनसे उन्होंने टेक्निक सीखी और उन्होंने जो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नाम की जो चीज है उसको खूब बढ़ावा दिया है और उसको क्लिनिकली अडेप्ट किया है तो हम उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे अब स्ट्रेस इज अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज ही हम देख चुके हैं तो मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं आपका लूंगा उसके साथ आपका मन और आपका शरीर उसके साथ जो है वो ताल्लुक रखता है और उससे जो है अनेक बीमारियों का कारण यह है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका इंफ्लैमेटरी रिस्पॉन्स जो अपने शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी आपत्ति के साथ डील करने के लिए इट इज दैचुरल रिस्पॉन्स बॉडी टू डील एनी अटैक एंड इम्यून रिस्पॉन्स ये दोनों चीजें डैमेज हो जाती हैं अब मैं आपको एक थोड़ा हटके बताना चाहता हूं अभी आप जो स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ Bharat Sarkar. This is from the website. And if you open this particular page, every day it is updated at 8 o'clock in the morning with the latest cases. Once again, I think my internet is slow. Now, this one is a snapshot which will come up, which is for 8th or 9th. It is for 9th of April so it shows active cases discharge cases deaths and finally if you add all these numbers you get 1 crore 30 lakh 60000 and something these were the total number of cases that were detected positive out of which of course 167 died and all that now let us look at the graph for india's population this is also from a uh, site which gives uh, works like a meter every minute this is updated so at that moment when i flashed uh, copied that uh, number from the government website

हमारा फोकस होना चाहिए कि अरे भैया अगर एक परसेंट से कम लोगों को हुआ है तो बाकी निन्यानवे प्रतिशत जो लोग हैं वो कैसे बचे उनके पास वो क्या मंत्र था जिसकी वजह से वो बच के रह रहे हैं इसका मतलब है कि इतनी छोटी सी जो माइनॉरिटी थी उनकी हम कहते हैं आजकल के भाषा में इम्यूनिटी कम थी लेकिन हमने जब देखा पीछे या कुछ केसेस है जो बड़ी सीरियस हो जाती है वेंटिलेटर पे पहुंच जाते हैं वो क्या है इसका मतलब दो चीजें हैं एक है आपकी इम्यूनिटी और दूसरा है आपका इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और ये दोनों चीजें कहां से बिगड़ती हैं तनाव से ऑल दीज टू थिंग्स दैट मीन योर इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड योर इम्यून रिस्पॉन्स नॉट बींग अप्रोप्रिएट विल रिजल्ट इन दैट वन परसेंट पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव एंड इट विल डिसाइड वेदर वन रीच इज द वेंटिलेटर और डाइस आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी those who are in the panel may please type in uh, the private chat to say if everything is going okay and if the pace is all right so meanwhile please we have to uh, look at the fact what do we learn from 99% of the people so continuing further there is a very interesting book which was written many many years ago and the name of that is why zebras don't get ulcers to iska kafi funny hai ki zebras ko अल्सर क्यों नहीं हो पाते या क्यों नहीं होते उसका कारण यह है आपने देखा होगा इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं टीवी के ऊपर नेचर के दैट दीज नो नॉट इट कुड बी इवन अ लिटिल डियर एक बात याद रखिए शेर जो आता है हुम द लायन अटैक द वीकेस्ट ऑफ द होल लिंक चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई गर्भवती उनमें से माता हो उसको अटैक करने को वो जाता है कोई बड़ी बहादुरी नहीं करता हम कहते हैं शेर जैसा बहादुर है अरे शेर जैसा में हमने कायर नहीं जानवर नहीं देखा एनी anyway, अब ये जीवरा लोग जो देखेंगे या हिरन होते हैं खूब भागते हैं खूब दौड़ते हैं बहुत स्ट्रेस होता है अरे जान पे बनाती है हम लोगों की आमतौर पर जिंदगी में वी डोंट अ फैक्ट If you read the book, you will find he is giving all scientific evidence for that. Now, the reason for that is that stress is actually building up those chemicals which go into your bloodstream. But zebras are able to get rid of them very easily because they know how to relax. In human beings, if you are having tana jo hai kharab you will start losing your sleep. And sleep ka hai, when you are asleep, the body is doing two things. सेकेंड थिंग रिपेयर ऑफ द बॉडी ये अगर दो काम नहीं होंगे तो आपके शरीर को व्याधि जरूर गिरफ्त में लाएगी यू विल डेफिनेटली फॉल सिक और वो शुरुआत कहां से होगी एंग्जायटी डर लग जाएंगे आपको फियर होगा और उसमें से कुछ लोग जो होंगे उनको एडिक्शन हो सकता है अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि वो जो पिताजी थे जिसका बच्चे के साथ इस तरह के एटीट्यूड है उसकी अगली स्टेज होगी एंग्जायटी एंगर एंड देन एडिक्शन एंड वनरबिलिटिव डिजीज वो हमने पूरा फॉर्मूला समझ चुके हैं कहाता है आपका इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इम्यूनिटी रिस्पॉन्सके बाद इसके लिए मार्ग क्या है सी दैट इन योर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन डेंजर इज अटोनोमिक रिस्पॉन्स आपको कुछ नहीं करना पड़ता है वो जीवरा भी कर लेता है हिरन भी कर लेता है पक्षी और चींटी भी कर लेती है हम भी कर देते हैं लेकिन वैसे ही एक और हमारे पास ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स वी ऑटोमेटिकली टू स्ट्रेसोटिक सिस्टम वो कौन सी सिस्टम है वो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड रिलैक्स अब ये जो डॉक्टर बेंसन है इनकी बड़ी फेमस किताब है कई दशकों से फॉर मेनी डिकेड्स इट डॉक्टर प्रोफेसर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन दर्ल्ड एंड वॉट ही टोल्ड अस वॉज दैट आइडियली मेडिसन शुड कॉल अपॉन सेल्फ केयर फॉर सिक्सटी टू नाइन परसेंट ऑफ द प्रॉब पेशेंट एक्सपीरियंस यानी साठ फीसद से नब्बे फीसद सिचुएशन जो होती हैं वो ऐसी होती है कि आप अपने आप अपना स्वयं ख्याल रख सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है केवल 10 से लेकर पच्चीस तीस चालीस परसेंट केसेस आपको जाने की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी कि रिलैक्स करना सीखना चाहिए अब आजकल जो है टीवी के ऊपर आप कई कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें आपको योग होता है मेडिटेशन होता है कई लोगों को इसके ऊपर लगता है कि ये कोई धार्मिक चीज है शायद उसके ऊपर विश्वास ना हो लेकिन रेस्ट एंड रिलैक्स जो है रिस्पॉन्स होता क्या है ऑटोमेटिक है एक तो हमने देखा दूसरी चीज जो है इसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग लगती है क्यों क्योंकि आपको पैसिव एटीट्यूड पैसिव एटीट्यूड मीन्स एक श्रोता की आपको जो है जहां पर गड़बड़ हो रही है जैसे क्रिकेट मैच है हम जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वी गेट एक्साइटेड आप वहां से शुरू कर सकते हैं भले ही आपका फेवरेट बैट्समैन खेल रहा है या अगर आपका कोई स्टोरी चल रही है पिक्चर में अगर आप दो मिनट तक विदाउट गेटिंग एक्साइटेड उसको देख सकते हैं तो आपने सबसे पहली पहला सीढ़ी का कदम जो है आपने उठा लिया है यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कैन यू बिकम दैट साइलेंट विटनेस दैट एटीट्यूड जस्ट लाइक दीज पीपल आर फॉलोइंग इन द स्काई If they try to tense up, if they become nervous, if they become angry, they are not going to have a free fall. They are going to end up with big problems. So, what does passive attitude mean? Passive attitude essentially means doing nothing. You have to do nothing. That is the beauty of the passive attitude. जो है उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा क्योंकि अभी जो है तीन बज के पैंतालीस मिनट बजे तो मैं अगले पंद्रह बीस मिनट में इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं अब एक जो है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो हमने कहा कि वो जो है डॉक्टर जनल्ट एपस्टाइन उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मास्टरी की किताबें लिखी और उसे अपने क्लिनिक में भी उन्होंने उपयोग में लाया ही ब्रॉट इट इनटू हिज रेगुलर प्रैक्टिस एंड मेनी अदर साइक्रिस्ट आर नाउ यूजिंग इट ऑन अ डे टू डे बेसिस द बेसिक आइडिया इज दैट आप मेरे को एक सीधी बात बताइए आप में से कितने लोगों ने रात को सोने के पहले अलार्म लगाया है लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑफन गॉन टू टू बेड आफ्टर सेटिंग एन अलार्म वेक यू अप इन द मॉर्निंग

Deep inside this machine that we call the body and the mind that we have at that particular time. Yeah, correct. Somebody says here, uh, Nabilaji, she set the alarm but woke up before it. Excellent. But most of the cases, what happens is that means deep inside we have that visualization of getting up. And another thing is, when Nabilaji says you set an alarm and woke up before it, what does it mean? You had a very strong visualization of waking up in the morning. वो चीज जो है आप अपने मन के अंदर उस चीज की एक तस्वीर बना सके कि आप सुबह उठ रही हैं। लाइक like दैट ताजमहल बनाने के लिए ऐसा तो था नहीं लोगों ने ईंटे इकट्ठी करनी शुरू कर दी और दीवार बनाई किसी ने कुछ लगा दिया उसके पहले शराजी जो था उसने बैठ के उसकी तस्वीर बनाई एक विजुअलाइजेशन की उसकी उसके बाद उसने वहां पे मजदूर लगाए एंड देन दैट बिल्डिंग केम अप So, the Taj Mahal was not built on the ground, it was first built in the mind. So, you can create small visualizations of getting better, of performing better in class, of dealing with a problem in uh, your office or for examination. The fact of the matter is, we never take the time to do that. Just as I told you, if there is a cricket match or if there is a cinema or something, we participate in the event. We start हम दुखी हो जाते हैं अगर कोई आउट हो जाता है हम लोग जो है खुशियां मनाते हैं कैन वी जस्ट टेक वन मिनट वाइल वी आर वाचिंग दैट जस्ट ट्राई फॉर फर्स्ट आई एम टेलिंग यू वन मिनट विल बी टू लॉन्ग फॉर दोस पीपल हु नॉट डन इट जस्ट ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज ऑफ बीइंग अ साइलेंट विटनेस द नेक्स्ट स्टेज विल बी टू बी एबल टू डू क्रिएट टू डू द डीप रिलैक्सेशन वंस यू Are able to elicit a relaxation response. The third stage will be creative visualization. Creative visualization is entirely up to you and how you do it. There is a story of a man in England who was a university professor and he wanted to translate the works of Plato from Greek. He was not getting anywhere. He decided he will go into that age of Plato. His wife started cooking Greek food, she dressed up like a Greek woman. He also used to dress up like a Greek man. He would only talk with his wife in whatever Greek that she could manage. Within six months, that man and his whole uh, family, only he had his wife with him, they were transported to Greece. And there translations and interpretations, hai, wo aaj bhi authority. I can't remember the name of that uh, university, Don. But that is the power of creative visualization. So, this can be used in healing also. This can be used in various methods in pain uh, control. It can be used for getting over with acute disease, or in case of chronic disease, or in overcoming any of your disabilities or shortcomings. The next thing is creating sacred space. This is a very simple exercise. Sacred space does not mean a temple, or a mosque, or a church, or anything of the sort. Sacred space is the space inside your mind. आपका जो कंप्यूटर है कभी आपका कंप्यूटर आपने देखा स्लो हो गया क्योंकि मेमोरी खत्म हो गई है एग्जैक्टली द द सेम थिंग हैपन्स नॉट मेमोरी बट द स्पेस स्पेस योर माइंड इज सो अप यू हैव टू क्लियर दैट दाइड इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विथ आवर आइडियाज हम कौन है हिंदी में हम कहते हैं हम मानस हैं मानस पुत्र मतलब मन के वजह से जीने वाला जो जीवी होता है उसे हम मानस पुत्र है वी डोंट लिव जस्ट बाय द स्टमक दो रोटी पे, पेट में पड़ जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता उसका मन उसको अगर आप किसी को कहोगे तुम लगड़ा है तू बुटका है तू काला है वो आदमी को बुरा लगेगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को आप ये कह दोगे कि तू मूर्ख है बुद्धि ही नहीं तेरे को वो नहीं है दैट विल हर्ट द मोस्ट सो यू हैव टू क्रिएट सेक्रेट स्पेस बाय क्रिएटिंग स्पेस इन योर माइंड बट दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एज ए सेट सो वॉट इज द बेस्ट थिंग

अरे किताब यहाँ पे पड़ी हुई है इतने दिनों से आर पीपल हु बिकम सो टू बुक्स हो ये विद्या है इसको हम कैसे फेंकेंगे अरे मत किसी को दान में दे दो अगर आप रद्दी में भी देते हो किसी को दान में दो पैसे तो आदमी कमा लेगा कम से कम सो यू कैन क्रिएट सेक्रेट स्पेस ओनली इफ यू डू दैट एक्सटर्नली देन इट विल स्टार्ट हैविंग एन इफेक्ट इंटरनली इफ यू वॉन्ट टू मैग्नेटाइज समथिंग ए बार ऑफ आयरन Okay, there are many methods you can do it by uh, use of electricity and stuff like that. But the simplest method is you take a magnet and start stroking it on that piece of ke upar. Within a short period of time, after 10 or 15 strokes, it will become magnetized. This we learn in school in physics. Okay, but we forget that we can do the same thing. This is by a law of induction. If you clear the space around you, Supposing, आपका झगड़ा हो गया Supposing, आपको डिप्रेशन हो रहा है सपोजिंग आपको गुस्सा आ रहा है आप थोड़ा टाइम लीजिए पहले आप कीजिए रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अगर आज वक्त होगा तो उसकी छोटी सी स्क्रिप्ट में आपको दिखा दूंगा नहीं तो फिर बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं नहीं तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं आई कैन गिव यू दूस फॉर दैट सो आफ्टर डूइंग दैट थिंग यू कैन क्रिएट इफ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो द रूट ऑफ

It will change your mental state. It will change your emotional state. Okay. There is another technique called emotional freedom technique. I don't have the time today. This can take up a session of a few hours. But this is, you can always check on internet. You can always check on YouTube. You will find many videos. You can find him on YouTube. Dayanand Devmore. Uh, he is a professor in a uh, university in a engineering college in Kolhapur, but he is also an EFT teacher. It's a very simple technique. Again, वही है। उसमें हम जो है वो visualization करते हैं, हम affirmations करते हैं। उसमें tapping करनी पड़ती है। मैं उसमें नहीं अभी जा रहा, पर मैं आपको बता के रख रहा हूँ कि अगर आपके पास ये एक technique है, you can always go back to that without much of a difficulty. Then there is also something known as the journey. now, this is the story of one lady, is brandon bays. she was diagnosed with a football-sized tumor in her uh, 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 what do you call that? me, uh, uh, there was a football-sized tumor. she was in the uh, healing practices. And she combined so many techniques. She combined visualization, she created sacred space, she did EFT, she did meditation, and then finally she developed and evolved a methodology which can be learnt, it can be taught, it is like a skill, like learning to ride a bicycle, but it requires practice and it requires repetition. Uh, Nabilaji ji, not an ovarian cyst. Cyst matla usme jo hai, liquid barawa This it was a mass. Okay. It was a mass. It weighed, weighed uh, quite a few kilograms. And uh, when they took it out, it was the size of a, uh, uh, this thing. Uh, no, not a football, I'm sorry. It was the size of a baseball, which is not small either. Okay, so it was not a cyst, it was a growth over there. So this journey by Brandon Bays, then she uh, fine tuned that method. But that method can be adapted for anything it can be adapted for stress relief, it can be adapted for repairing relationships. काश अगर ये चीजें पता होती तो हमारे जो स्टीफन हॉकिंग हैं उनका भी रिलेशनशिप जो है वो बच सकता था ऐसी मेरी धारणा है इट इज माय बिलीफ मे बी स्टीफन हॉकिंग कुड हिज मैरिज बिकॉज ही फेल्ड ट्वाइस वंस यू कैन से इट इज इनकंपैटिबल बट दैट आल्सो इट वाज आफ्टर 30 इयर्स ऑफ मैरिज सेकंड टाइम अगेन केयर गिवर दैट मींस समथिंग वाज मिसिंग ओके Now, I come to the last one which I'll discuss today at some length, and that is batch flower therapy. So, batch flower therapy was started by one doctor called Dr. Edward Batch, who was a proper MBBS. He had a postgraduate diploma in public health, he was a surgeon, physician, he had a private practice. Then he went into research of vaccines. After the First World War was over, somewhere in the uh, first half of the previous century and when he was doing that he discovered that stress is reflected in mental and emotional states we don't have a stressometer you may measure bp you can measure so many other things you can do even muscle testing legin stress is best reflected in emotional states if a man suddenly becomes angry or he becomes depressed you don't have to put a stress meter Aapko pata hai? This person is have suffering from some stress or strain, and that is why he is exhibiting these mental emotions. I am again coming back to the example of that father. He was exhibiting what? Certain mental and emotional states. And why was that so? It was because of stress. Why do people behave differently in stress? Because each person has got his own personal style. टेस्ट अलग होती है वाइफ बनाती है उसकी अलग होती है रक्षाबंधन के दिन सिस्टर बनाती है उस खीर की टेस्ट अलग होती है वैसे ही हमारा हर एक आदमी का हर एक स्त्री का एक अपना ओन स्टाइल होता है ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंड एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन नाउ व्हाट डॉक्टर बैच सेड वाज दैट इफ वी कैन डील विद द मेंटली एंड इमोशनल स्टेट्स वी शैल बी एबल टू डील विद ऑल दिस आदि व्याधि एटसेट्रा As I told you, your personality, attitude, and outlook. But the same stress may, like, a person from Chennai will respond because attitude is different. Personality can be different, outlook can be different. That will decide how you respond to an, any kind of a stress. The next requirement which Dr. Batch felt was exactly the same thing which many decades later was said by Dr. Benson. That in 90% of the cases, you don't need to go to a doctor, you can solve the problem yourself, but you must have a solution. And that solution is provided by Dr. Batch. And he said the therapy must be intuitive and simple. What did he mean by that? In his own book, he says it should be as simple as saying, if I'm thirsty, I'll drink a glass of water. If I'm hungry, I'll just eat. Simple as that. I don't have to do any research. I don't have to consult any book. It should be as simple as that. And then the healing has to happen from within. It is not an external thing that will help. If you look at all the medical literature today, it is from outside to inside. Whereas actually, healing takes place from inside to outside. If I can fix my emotions, my mental states, I will be able to have a better attitude towards things. I can change my outlook and I can now learn how to live with my personality. So, what he found was he found that certain flowers prepared in a certain way can be used as remedies. So, he discovered 38 remedies before he died and he called that as batch flower therapy. It was very successful because uh, he was a medical doctor. He stopped giving medicines, he was only using batch flower therapy and he taught this method to everyone. Okay, if there is a serious case, and you think you need a, a doctor, you come to me. But most of the times, he gave the same remedies which people had thought about. Because he said that each of these remedies, this medicine is for malaria, typhoid. That means we are associating a medicine with something that is so bad, something that we don't want to have. Dr. Batch had a different approach. He said each remedy is for a virtue. एक आपका गुण है एक आपके अंदर की शक्ति है ताकत है दैट वर्च्यू इज टू बी रिस्टोर इट इज नॉट दैट वी हैव टू ड्राइव आउट द मलेरिया जर्म दैट इज अ वेरी एंटीपैथिक व्यू ऑफ लाइफ व्हाट वी वांट सपोजिंग मैं दुख में हूं डू इन सोरो आई विल गेट बेटर इफ आई एम एबल टू पुट यू इन टू कोर्स नॉट डू यू एग्री इफ अ पर्सन इज इन सोरो Or he is in pain. Will he get better by giving that pain or sorrow to somebody else? Of course not. He will have to bring back the virtue of happiness, of joy. So, like that, he discovered various virtues: virtue of courage and faith, self-esteem. Okay, if that is uh, destroyed or disturbed, it becomes inferiority. Okay, cheerfulness. If cheerfulness goes then you become melancholic or sad. Humility and turn into arrogance. Humility is a virtue. Similarly, if you have these virtues of forgiveness that can turn to blame. Kuch galti gayi Some damage has been done. One method is blame. If you find any person is blaming someone, what does it mean? That person is in stress. I don't require a stressometer. I don't have to check his BP. I don't have to check his blood sugar. The moment you find somebody is blaming, it means he has lost that virtue of forgiveness. If I find a remedy and give it to him, that person will be restored to his beautiful. Virtue. He'll become a virtuous person. Uske baad jo hai, hope can be restored from hopelessness and despair. Like that, he had and belief from pessimism. Pessimism means we lose hope. The moment faith is there, moment belief is there. Okay. So you can just see there are various combinations and you can use more than one remedy at a time. And we shall go back to the example of the father which is a real case. It came from one of your members. And he said, if you can please include that. And I said, it's a beautiful way because we are going to combine all the themes that I have taken up in my talk today. So we'll just go back to that same case study of that father. And father is one-faced. I'm just reminding you, father ka ek face hai society mein, logon ke saath bahut achha hai apne is very jovial. डू यू रिमेंबर सीइंग दैट मूवी मेरी जनरेशन के लोगों ने तो देखी हुई है पता नहीं यू पीपल आर मच यंगर एक राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी आनंद करके डायरेक्टेड बाई ऋषिकेश मुखर्जी एंड इन दैट वी आर शोन द कैरेक्टर ऑफ राजेश खन्ना हुज नेम इज आनंद इन द मूवी आनंद जो है उसको एक प्राण घातक एक फेटल डिजीज हो गई है सम कैंसर एंड ही इज वेरी जॉली ही इज वेरी जोवियल ही इज जोकिंग इज कीपिंग एवरी वन हैपी What was the outcome of that? He finally died. Why did he die? Exactly for the same reasons as Dr. Batch discovered. He was trying to hide behind something. Okay, so now let us see. I'll just read it out again. At home, he was always angry with his son and very critical. Short tempered, bursts of violence, incidents of physical assault. Question was is he bipolar? Why is he so uh, uh, incompassionate or discompassionate and stuff like that? Let us look at it from the point of view of batch floor therapy. And as we said, it has to be intuitive, which means now, what you have to do is you have to allow that person to listen and unwind. The reason why I like this particular therapy is when we are having a group like a hemophilia federation, each one of us is sharing the same issue. Each one of us is supportive. See, this association was, federation was started in India by a person who was himself undergoing this condition. And that is why he felt that he must get all the people together. And this always works. In a different context, I will quote the example of a support group known as Alcoholics Anonymous. Usme un jinko Alcohol ho sakta drug <laughs> They come together and then they are able to unwind. They listen to each other. You can do that and you call that a therapy session. We swap sessions. If there member arrange members, they can arrange amongst themselves that once a week we will have these partners or you can have a group session. That one person will unwind, another three or four people. We have got such beautiful resources like Zoom and Google Meet, and uh, like today uh, our friends have organized. Uh, this particular talk so they this can be an unwinding session and i will give you a typical scenario

कि ये करना है लड़कियों को क्या समझाया जाता नहीं वहां पे अगर ससुराल जा रही हो और वहां पे तकलीफ है आवाज नहीं उठानी तुमने चुपचाप सहन करो इसका मतलब क्या है यू आर पुटिंग अप अ ब्रेव और अ जॉली फेस एंड यू आर सप्रेसिंग समथिंग दूसरी चीज है दैट फादर माइट ऑल्सो टेल यू दैट आई एम रियली डेस्परेट सीम्स टू बी नो होप कोई इलाज नहीं है इस चीज का उस आइडिया से ही मुझे जो है बहुत डर भी लग सकता है ही विल एक्सप्रेस व्हाट आर द इमोशंस दैट पर्सन इज द बेस्ट टू टेल

जमेंटल इन सींग उसके साथ क्या हो रहा है वो क्या कह रहा है अडवाइस कुछ नहीं देना हमने वी आर नॉट गजिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ नहीं करना कहां से हम सीखे वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स डू नथिंग जस्ट लिसन लेट दैटन अनवाइंड ऑल दैट अनवाइंडिंग अब आप अलार्म क्लॉक आपने अगर लगा दिया है पुराने जमाने का नॉट द इलेक्ट्रॉनिक वन और इवन इन इलेक्ट्रॉनिक वन वो बचता रहेगा कब तक जब से चाबी नहीं खत्म हो जाती Isn't it? If the battery dies, then of course the alarm will shut down. But that's not a good example. Let us take the old clock where you had to wind the uh, alarm. Then that person also has a question Will life ever change? When will it change? How will it change? And as a matter of fact, I would like to share with you that many a times people who are in constant pain, people who are in constant suffering, are often afraid of change.

दर्द है या पेट में दर्द है कुछ है ओनली एबल टू गैट्रैक्शन बात तो करेगा सो वी नीड अ रेमेडी फॉर दैट ऑल्सो सो ना वी विलराइज वॉट हैर्न फ्रॉम दिस से फादर एक तो शेम का इशू है क्यों एंड देयर चिल्ड्रन he has to put up a jolly face. he has no hope. he's in a very hopeless condition. violent outbursts sati, and there is a desire to change, but also a fear of change. how will he adjust to that? and just as i told you, these are 38 remedies. this can be used anywhere. young girl is there. she's having, uh, you remember, there's another raj kapoor film uh, in which uh, there is this girl who is hiding her face with a lock of hair because part of her face is burnt. I don't remember that movie. Maybe some of you can tell me and remind me which one. Crab apple will work beautifully. Pimples and face cuper. This is a cleansing remedy. Shame, what is hai? We are afraid or we are ashamed of something that is not good, that is dirty. Crab apple works beautifully. It's a very deep acting remedy. Very, very deep acting remedy. Aata hai agree agrimani. Any place, agrimani, may you put up a jolly face, Anand syndrome, and remember, agrimani people generally those personality types can slide into addictions. That is the dangerous part. We must avert that. As father angry, he he will just slide down into addiction, which will be a bigger loss because that will have a financial impact also. It will have an impact on other uh, things in the home. Then. स्टेट ऑफ होपलेसनेस इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये जो नेवी के लोग थे देवर ऑफन देर शिप वॉज हिट बाय दे तक उनको कोई रेस्क्यू नहीं होती थी जो उनमें बूढ़े लोग थे बूढ़े मतलब कंपेरेटिवली बिगर एज के दोज पीपल दे वु सरवाइव And the young people would be dying. The old people would even drink their own urine because there was no water, but they would survive. When they did a research on that as to how these people managed to survive, they found that these people had survived the First World War and they knew. So, up to one month, they would not be in a state of डेस्परेशन सो गॉड इज द रेमेडी फॉर दैट वायलेंट आउटबर्स्ट उठा के चीज पटकना मारना चिल्लाना उसके लिए चेरी प्लम है अरे ऐसा कौन आदमी होगा या औरत होगी जो ये नहीं चाहेगी कि बीमारी में से निकल आओ अरे उस बीमारी की आदत लग गई है भाई उस बीमारी में से भी उसको जो है कुछ स्पिन ऑफ बेनिफिट मिल जाते हैं एंड डीप इन साइड इट इज गोइंग टू बी न्यू चैलेंज Do you know something that even after after getting the 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 vision, vision vision many people who had lost vision when they they were children, after they get the vision back, the real challenge starts then. वो पिछलों में हैं, बड़ी होती हैं और वो गाने गाती हैं कि वाह वाह वा, मेरे को रंग दिखाई दे रहे हैं लेकिन डीप इन साइड बिग फियर बिकॉज नाउ दे आर बाउंड टू लूज द सपोर्ट सिस्टम पहले जो है उनको किसी तरीके से किसी मार्ग से एक मिनट जरा जस्ट एक Yeah, sorry for the interruption. So, those people are bound to act in that particular way. So, change can be very challenging. We don't want to go into an area which is going to be difficult for us. So, we must respect that, you know. We must respect that for every person. Now, that brings me to the end of today's presentation. I will just give a brief summary of the key takeaways. So, the first thing that we saw right at the beginning was we must move beyond labels and I mean every kind of label. That's why that label of Puneri of Tambrams, that was inserted only to highlight the fact that labels can actually be limiting. The second thing is that both caretaking as well as care receiving creates stress. And for that, we gave a very good example of Stephen Hawking such an accomplished physicist such a creative person but even there these personal relationships reached a stage or a point of breaking next we said saw was that stress is the foundation of disease the simple reason for that is that it starts creating hormones circulating in your body which end up damaging certain organs and also because these hormones are required and what they do is that they alter your inflammatory response, which is your normal healing response, and also your immune response, which is your protective response. You can imagine if these two things are not there, what is going to happen? Then the next thing is that uh, we saw was stress bu stress busting techniques. The primary stress busting technique number one, it is do nothing. Relaxation response ko creative visualization. अलाम लगा के सोते हैं इस उम्मीद में कि हम कल जिंदा होंगे This is inherent. ये शक्ति आप में है ताजमहल कोई रातों रात नहीं बना था लेकिन उसके पहले वो एक आदमी के दिमाग में बन चुका था यू कैन थिंक एग्जाम्पल वेदर मोटर गाड़ी पीपल द मोस्ट पावरफुल टेक्निक एंड वेन यू आर वी आर टेलिंग चिल्ड्रन डो ड्रीमर है अरे यार वो डे ड्रीम कर पा रहा है इसीलिए वो उसको साकार कर पाएगा ओनली अ डे ड्रीमर विल बी एबल टू फुलफिल द ड्रीम इफ देर इज नो ड्रीम इफ देर नो क्रिएटिव क्रिएटिवेशन एंड माइंड यू क्रिएटिवेशन इज नॉट डे ड्रीमिंग यू आर डूइंग इट विद फुल अवेयरनेस एंड इट्स अ टेक्निक दैट कैन बी वी इट्सो सॉ अदर टेक्निक्स फॉर एग्जाम्पल योर जर्नी मैंने आपको मैंशन किया एंड देन ऑफकोर्स वी ऑल्सो लुकड एट batch flower therapy which is easy intuitive it is it works beautifully in a group okay and uh, we also discussed one case on that so that brings me to the end of my presentation it is now 4:15 so i have uh, kept within the time limits that were prescribed and i am ready to take your questions now this particular slide you can stop the video which uh, will you will receive later and go through each one of these references the first one is by Dr. Batch, Heal Thyself. Uh, this is a very philosophical work. It's not very long. I think hardly 50 pages. Brandon Bays, The Journey Roadmap to the Soul. Uh, uh, this uh, is available free of cost PDF on internet. Only some pages that are missing at the end are the techniques for which you will have to buy the book. Herbert Benson, Relaxation Response. You can easily get a free PDF copy on the internet. Very necessary reading. Gerald Epstein Healing Visualizations. You can read extracts of that, but generally you have to buy this book. But it has got uh, very good guidance material on how to do that. Gabor Mate, when I told you the name of the book is very suggestive, when the body says no, the hidden cost of stress. Then there is a uh, scientific paper by Patterson. And this is part of the nursing curriculum because they did a research and they found that emotional freedom technique, about which I've mentioned, is so effective, especially for nurses who are preparing for exams and later when they enter the profession. Why zebras don't get ulcers? Very easy to read, light reading, but with a very deep message. Hans Selye's classic, Stress in Health and Disease. You can get uh, bits and pieces on Google Books or maybe on archive.org. And the last one is again a uh, scientific paper which is uh, there to remind you that chronic stress how it affects the natural infl inflammatory response and your disease of risk is increased so with that i open the question round now Yeah. So I'm just waiting for your questions. The first question is here uh, by Usha Parthasarthi. Thank you for the inspiring session. I wish this message is shared with especially mothers, wives of our community who live in the remote areas. Boosting their morale is the key to success. Very true, Ushaji. I fully agree with you. Uh, the wider the message spreads, and as I told you, all these techniques are simple, they don't require any medical knowledge, they, don't, they are not very uh, difficult to undertake and uh, they are not uh, very daunting, you know, that uh, i'm very scared to do this because uh, i'll be required to do too much. as i told you in the beginning, relaxation response and creative visualization short sessions of even one minute, two minutes, they can be expanded and made part of your daily practice. <sighs>

doesn't have any positive vibration at all. And also, she wants to know some elaborative ways to how much extent suppression is possible. OK. Uh, thank you, sir. Ha, Saurabh, uh, You were saying something about Gandhiji. यस सर यस सर सो जैसे गांधी जी कहते हैं कि बुरा मत सोच देखिए बुरा मत बोलिए बुरा मत सुनिए सो so, अगर गांधी जी आज यहाँ पे होते और ये सेशन देखते तो सच में कहते कि अच्छा ही सोचिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए तो so, ये हमें एक सीख आप, आपके थ्रू आज मिली है हमें और हमें काफी सारे लोड्स ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिले हैं तो अभी मैं वुमेंस ग्रुप का कमेटी थ्रो तो यहाँ पे बुला बन भाई बन आपने क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया नहीं ला दी आई विल जस्ट लाइक टू कम इन एक मिनट जरा मैं आपसे uh, कुछ कहना चाहूंगा हम जब कहते yes. हैं अच्छा मत uh, बुरा मत देखिए बुरा मत सोचिए बुरा मत बोलिए एंड हमें जो है वो बी पॉजिटिव सी आई विल टेल यू वन थिंग पॉजिटिवनेस के बारे में बी पॉजिटिव हम तभी कह सकते हैं जब हम पहले फेस करने को तैयार हैं कि प्रॉब्लम क्या है

अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया था उस इंग्लैंड के प्रोफेसर का उन्होंने प्लेटो के जिंदगी के अंदर घुसे उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी तो जो है एफर्ट डज नॉट काउंट दैट पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग विल ओनली बी पॉजिटिव इफ यू आर फर्स्ट एबल टू आइडेंटिफाई सो दैट इज अ क्वालिफायर That's why most of these books on positive thinking don't get anywhere. You have to be able to put it into a very solid framework of practice. Only then you will be able to achieve that. Uh, okay, I may be sounding abrupt, but uh, this is the reality which one finds in practice. Yeah. Okay. Uh, Nabila Didi, uh, your question first. Uh, she is having uh, some internet connectivity issue. Uh, can we go with the next person? Yeah, she can type it out. I'll see it on the private chat. Uh, Sir, so the question is, uh, just a second. Uh, it is from our viewer, uh, Sujata. Uh, how to visualize creativity uh, creatively when the environment doesn't have any positive vibration at all? Uh, I will answer that by saying, where is the negativity and that negative vibes? They are outside or inside? They are outside of you. Creative visualization, which we have done We are doing it at an emotional level. If you just close your eyes and you are able to find, even two minutes, first try it out. Take my word for it negative vibes and all that business comes from the external world we are talking about the internal world in order to create that per good vibes from the external world go straight away to creating sacred space sacred space does not mean आपको जो you take up one small corner in your house you can start with your wallet you can start with your purse you can start with a, a shelf in your almira or your wardrobe

आज मैं एक ये कर दिया आप बच्चों को भी साथ में ले सकती हैं क्योंकि अगर एक बार उनको आदत पड़ जाएगी बचपन से दे विल नो प्रॉब्लम इन लेटर लाइफ यू गॉट फुल बुक शेल्फ लुक्स वेरी वेरी नाइस पीपल आर आर इंप्रेस्ड यू एबल टू शो दैट इज द दर्ज ऑफ कीपिंग ऑल बुक्स इन द शेल्फ आई रिव्यू माई बुक शेल्फ एवरी थ्री मंथस कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है फेंक दो अरे नहीं हम किसी को दे देंगे हम दान में दे देंगे अरे तुम्हारे घर में जो कचरा उठाने आता है उसको तुम दे दो ही इज द बेस्ट गाइड ही नोज उसकी क्या कीमत है मार्केट में उसकी जेब में दो पैसे जाएंगे कोई बुराई नहीं है सो so, नेगेटिव जो है बाहर की आपकी उसको करने के लिए यू केम फ्रॉम सुजाता जी मस्ट बी इज आंसर अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे उषा पार्सा सारथी जी का कमेंट आया है। yes. Visualization is a very great technique and the results are remarkable, and I have experienced it. Oh, good. Thanks very much for that, Usha ji, uh, for sharing your experience. Yeah. Yes, sir. Thank you. Our next, uh, Nabila from Ahmedabad, Judi, sir. Uh, in mind, there are also questions question, uh, Nabila ji. Uh, Please, Nabila ji. Uh, uh, yes, sir. And What and is sir. the parent's role for ensuring less stress in the family? Parents' role. इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ द फैमिली इज फर्स्ट रिड्यूस स्ट्रेस डूबता हुआ आदमी जो होता है उसे पहले तैरना आना चाहिए या उसके पास अपने हिफाजत के लिए कोई साधन होने चाहिए इसीलिए जब हवाई जहाज में हम जाते हैं वो कहते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए फिर बच्चे का लगाइए अगर फैमिली का ख्याल रखना है सबसे पहले खुद का ख्याल रखना सीखिए उसके लिए जो है आपका मन तंदुरुस्त होना चाहिए फिर आपका शरीर तंदुरुस्त होगा मन तंदुरुस्त रखने के लिए हमने तीन चार टेक्निक्स यहां देखी और भी हैं लेकिन सबसे पहले जो है इफ यू आर योर सेल्फ इन स्टेट ऑफ बैलेंस योर सेल्फ इन स्टेट ऑफ विटनेस हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग दोज आर द स्टेप्स इफ यू फॉलो इफ यू आर क्लियरिंग अप द स्पेस एज अ पेरेंट यू हैव टू क्लियर अप द स्पेस इवन चिल्ड्रन गेट इन द सेम हैबिट लाइक अस आई एम स्टिल लर्निंग I'm not saying that I have perfected the art of creating sacred space. Each one I go and tell uh, people, 10 people, then I realize here I told 10 things to 10 people, which amounts to 100 things. Am I following those? I have to start discarding and creating sacred space within myself, you know, or in my environment. I otherwise I always say, I'm not to do it. Development keeps constantly going on. You take the example of mobile phones. In the course of just about, say, 15 years, how many models have changed and what technology we have achieved? So your question was, how can a parent contribute? The answer to that is, first, try to bring peace inside your mind. And you will be the role model. You don't have to tell them, do this, do that. People will follow by example. If you get into the habit of creating sacred space, children get into the habit. You don't have to shout at the children. Are, you have made a mess of your uh, table. Basta, theek nahi lagaya एक अगर हमारा ये रिचुअल बन जाता है पर आजकल क्या रिचुअल नाम आया तो लोग डर जाते हैं भाई रिचुअल इज आल्सो साइंटिफिक ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर डन अंडर सर्टेन रिचुअलिस्टिक कंस्ट्रेंट्स डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है रिचुअली करता है ना पीपीई लगाता है ग्लव्स लगाता है हाथ में वो पूरी अपनी ऑपरेशन तो थिएटर होता है उसको तैयार करता है दैट्स ओनली अ रिचुअल सो रिचुअल को आप कम मत समझिए ओके I hope I've answered your question. Yes, yes, sir. Yes. Uh, you, sir. Next question, Oranga uh, Ruhi Khan, madam. Uh, Ruhi, ji, please ask your question. Hello, good afternoon. Uh, uh, as a mother of PA, PWH, there's always a fear of child loss. So, how to overcome this thought? See, that's uh, very uh, Legitimate question of uh, loss of a child. Nothing can be more painful. And I'll not try to uh, hide the fact that this is something that uh, is a very genuine uh, fear. As I told you, every cell in the body is born with the idea that it is going to die at a programmed time. That is too philosophical a question. We can understand it in biology. But all I would like to say is.

फ्यूचर दूसरा है मेरे पास कोई बच्चे नहीं रहेंगे फियर फॉर अदर पर्सन हो सकता है अब कोई लड़की है अभी हमारे यहाँ पे है जना एंड उनकी जो लड़की है वो गई है फॉर डूंगर पी एच डी

That's a common experience. As a parent, we feel that we are so much. Whereas, first, when you said that you have to look into uh, that fear, what is that fear meaning to you? Ask that question. If you are in a joint session, with somebody else that even serves better because you can do the questioning. So, iskiiye jo technique aati hai, Please tell me more. You said you have fear of losing child. Please tell me more. What does it mean to you? What does losing your child?

Uh, किसी फंक्शन uh, के लिए हर एक का टेस्ट हर एक का हाथ हम कहते हैं ना हाथ का टेस्ट अलग है सो दैट्स व्हाई दैट डिस्कशन इज नेसेसरी आई होप आई हैव आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा नायर मैडम मुंबई से है मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंदिरा मैडम को प्लीज आपका क्वेश्चन पूछें थैंक यू रामू जी एंड थैंक यू सर Uh, my question is with the household responsibilities, I am not able to get uh, me time for myself. So, and it is adding to the stress. So, what should I do? Because I have certain uh, hobbies and uh, some other things uh, of my interest. So, how should I uh, manage that? that's a very common uh, complaint uh, i would not even call it a complaint it's a reality on the ground finding me time you know but we can do one thing you may not get me time as a big slot you will have to be a person who is ready to walk baby steps and find two minutes of i'm telling you even one minute is very valuable minute, pain that minute can stretch to an hour if a minute of pain can stretch and feel like one hour, can't that one minute which is available to us free be stretched to one hour of joy? just ask yourself that question. supposing i am having two minutes of me time. at least before you go to sleep, before you doze off and after you forget your consciousness and while you're, uh, you are awake and nobody else is uh, around you you can have that me-time and then try to stretch it see one minute of pain can feel like one hour of pain agreed yes yes why can't we reverse that and turn that to a virtuous thing one minute of sure. my me could feel like one hour okay. look uh, they reach romantic heights We'll have to color that. That picture has to be colored by us. You see, uh, mandala. Uh, have you heard of mandala uh, books? You know, they are patterns. Like children are having those books which we bring for uh, kids who are below inter kindergarten. My wife always have, has a good collection. You know, if there are any noisy children who come, she throws those at them with a box of color pencils. And then they're fully absorbed in that. We can definitely find a book and then we can start. Coloring it, you can even download uh, mandala uh, what do you call templates on the internet. Even if you open your uh, Word, you know, uh, Office, uh, Microsoft Office, uh, there you have got templates. You can take a mandala template, you know, you will find at least 10 pages. In mandala. That is your me time, and then I will tell you another thing. It is to keep unnecessary people out. The moment you start coloring your mandala book, you have put a lock. Nobody will enter your house. Tala hota hai There is a, stair, what do you call that? We call that in uh, North India, that the lock has been put on the door for the decent people. So decent people will not enter your house by breaking a lock. Like that, you can put a lock. If you are having any activity, mandala activity, the moment they see you busy, the child will realize, oh, mummy is doing this particular thing. And you can tell her, my dear i'm just going to finish this page and then listen to you have you drawn those lines have you drawn those boundaries see if you are having a big farm and there is no bound a goat could come in a cow could come in even elephant you are uh, in there in uh, kerala there's a big problem with elephants we don't shoot down elephants we dig a ditch around it that is my boundary you stay there i stay here so you will have to build those boundaries in order to prevent your me time being stolen Otherwise, unattended farm, unattended garden. If there's an unattended garden, people walking on the roadside, they will pluck flowers from your garden. Nothing is preventing them. You put a fence. You will have to find short periods of time. That is your real estate. Just like you protect your real estate, you'll have to put a fence around it. And you'll have to tell the child, you better when you are doing, am I disturbing you? No. Now, mama jo hai kaam karaya. Just give her that time. I will finish it, then listen to you child will understand because now they have got rules to follow every human being essentially likes to follow rules because rules are what empowering rules are not disempowering because i can apply the same rule to you if i tell you if i you telephone me i tell you that ma'am i can't take your telephone call i am on a webinar please call me after 10 minutes i have drawn the 10 minute line now you are entitled to call me in 10 minutes and i am also committed to the 10 minute that is a two way street so you will have to draw that line, you have to make that boundary. And you don't become rude. You know, by putting a lock on my door, I don't become a rude man. By putting a fence around my farm, I don't become a rude person. Okay? Try thank that. You, thank you. And you can always ask me later. I'm always approachable. Yeah? Thank you. Thank uh, sir uh, yes. humne, uh, there's one question here from Sonalji. She says, Sir, essay parents be they कि वो अपने बच्चों को एक लिमिट से ज्यादा मारते भी हैं और हैरेस भी करते हैं हाउ कैन वी हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रेज़ेंटेशन में केस ली थी उस पिताजी की सी समझाने से तो कुछ होगा नहीं हम समझाते कहाँ पे हम समझाते जो है वो लॉजिकल माइंड के ऊपर समझाते हैं

So long as I am in the realm of the logical mind, I am very happy. So, you will have to go beyond the logical mind for that. And for that, you have to use the therapies. And as I told you, bachelor therapy, for instance, you are making that person a participant. You are allowing the person to open. He is able to give his side. Why do I get angry? Why do I throw things? Why do I beat my children up? Then you have to ask him, does it relieve your stress? Can we find means of relieving your stress? अब मैं आपको बताऊं दफा कुछ लोग मेनी पीपल आर वेरी बड़ी गालियां देते हैं या uh, uncivil language use करते हैं चाइल्ड बोथ कैन बी इक्वली बैड बोथ कैन इक्वली डैमेजिंग फॉर अड इज बीट इन आउट हाउ कैन वी ओवरकम बोथ ऑफ वेयर डू वी ड्रॉ द डिवाइडिंग लाइन फॉर दैट दैट सेशन विद पर्सन एंड ओपन अप कोई ना कोई तो हमारे ग्रुप में होगा पूरे जो अपने एक ग्रुप बनाया है कि हु कैन शेयर एंड से आई आई फील 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 द सेम थिंग टेल मी मोर हाउ डज इट आफ्टर बीटिंग दैट पर्सन में कम वेरी गिल्टी मुझे बहुत दुख होता है अगर आपको गिल्टी फील करता है हमारे पास उसके लिए भी आप डिस्कस करके रेमेडी दे सकते हैं कि आपको जो है वो पाइन रेमेडी है गिल्ट के लिए सी दीज आर ओनली वर्च्यूज दे आर नॉट अ डिफिकल्ट थिंग You can start discussing things amongst yourself and you can bring about that change. Because then that person knows I am on the way. Okay. I could watch the speedometer. All the navigational things required. But before you start using a map and all those instruments, you must know where you are. That person must realize what I am doing is bad. And maybe he does. Then he has to cover up.

बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही सरल भाषा में अपने एक है मैं अपने तो कैसे रहना है इसके लिए आपने कहा तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ संतोष कुमार अच्छा। जयसवाल झारखंड से उन्होंने कमेंट दिया है और रिवर्स की तरफ से और भी कंटिन्यू अच्छा। आ रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन रिवर्स की तरफ से आया हुआ है अनिता जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा की प्लीज वो क्वेश्चन पढ़े अनिता मैडम जी नमस्कार डॉक्टर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है एक्चुअली फाइव और सिक्स क्वेश्चन मुझे Uh, दोनों जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं बोर्ड पे मीन uh, व्यूअर की तरफ से तो वो मैं पढ़ना चाहती हूँ उसका शायद आंसर आप एक साथ दे सकते हो तो व्हाट कैन वी डू मेक अ हेल्दी पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन टू ओवरकम स्ट्रेस और सेम रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस दैट डज नॉट अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड सो ये okay, हा, शायद हा, दोनों हाँ फर्स्ट क्वेश्चन I mean, so, एक पहला क्वेश्चन है तो वो मैंने बताया वो रिलेटेड सिक्स क्वेश्चन का भी सेम है व्हाट कैन वी डू टू मेक अ हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टू ओवरकम स्ट्रेस एंड सेकंड हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस दैट डज नॉट अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड ओके सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एनी स्ट्रेस ऑन आइदर पार्टी इज गोइंग टू अफेक्ट द रिलेशनशिप इक्वली

अगर एक इंसान स्ट्रेस में होगा वो स्ट्रेस दूसरे को उतना ही फील होगा चाहे वो स्ट्रेस में जाने की कोशिश करे या ना जाने की कोशिश करे तो स्ट्रेस ऑन एनी वन पर्सन इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन बोथ दैट इज अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन ओके नाउ द क्वेश्चन कम्स इज अबाउट हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट नाउ यू सी डॉक्टर बैच वॉज इन्फ्लुएंस्ड डीपली बाय इंडियन फिलोसफीज ऑल्सो एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो ए Ardent Christian. So he had a mixture of uh, uh, sources in order to form his, uh, you can say, philosophical views. And in that he says that we as parents are only companions for a short time. We are there not to impose our will on the children, but in order to just provide protection. So, shuru hota hai, healthy and unhealthy relationship? Ka, wo hota hai, we wish to impose.

from other things from social misbehavior yes definitely nothing beyond that you may or may not agree with that person's views and that doesn't happen overnight there is a constant tug of war there's a constant battle animals are got a very short this thing and after that they become independent they don't even go and look after their parents they don't even remember them

At the same time, जो सुनने वाला था, उनको भी यही होता है देखा ऑस्कर स्पीच में उसने मम्मी मम्मी बोला। का नाम एक बार नहीं लिया उसने अरे मम्मी डैडी का नाम लिया गुरु का नाम नहीं लिया उसने मैंने तो उसको सिखाया आता क्या था उसको डायरेक्टर the का नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप टेंशन इज इफ वन साइड इज साइड थोड़े ही क्वेश्चन बाकी है uh, एक घंटे का सेशन लगभग हम लोग पौने दो घंटे तक चल रहे हैं तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन <laughs> हम उनको लेकर नेक्स्ट व्यूअर्स की तरफ से आया हुआ क्वेश्चन है uh, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वापस नबीलाजी को अहमदाबाद से प्लीज uh, आस्क Uh gee. Uh Sir, uh, a question from audience uh, named Saima Qureshi. She is asking that there is always guilt in a mother that she has transferred the defective gene to her son and he is suffering because of her and she gets overstressed. So how to overcome it? See, I normally don't bring questions of faith but Saima Qureshi and the question is coming from you Nabila. I would say You ask yourself the question, who is the creator? Is it the mother who gave birth, or is it the God? Creator कौन है हम तो सिर्फ correct? Yes. इसलिए अगर वो yes. हम भाव अपने अंदर रखेंगे अगर आप दूसरे थॉट के हैं जैसे यहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी है वहां पे कर्म आ जाता है कि भी किसी कर्मों की वजह से आपने जो है ये रूप धारण किया है सो इफ वी आर रेडी टू सबमिट आवर सेल्व इन फ्रंट ऑफ द गॉड रोल ऑफ कर्मा और इवन इन भी क्या? God, की करामत है उसने जो दिया है स्वरूप उसके साथ हमें जो है निभाना है और हमें हमारा फर्ज करना है और वो फर्ज उतना ही करना है जितने हमको शक्ति दी है उसमें That's all. You cannot be a mother forever. That role is going to change. वो तो कुदरत uh, का uh, उस उसूल है, उसका कानून है वो. उसके सामने तो हमें झुकना ही पड़ेगा ना. So don't. We have to accept the role of God. We have to accept divinity. We have to accept why this is happening, and it is beyond our control. Not everything can be controlled. We cannot become God. Even a doctor, he has to accept the fact. अगर कोई मरीज ठीक होता है, सबसे पहले ऊपर वाले ने उसे बख्शा है he has to come out of this, uh, ailment. दूसरी चीज है उस आदमी की भी या इंसान की वो विल पावर है उसमें से निकलने की फिर आपका रोल आता है उसको आप दवाई दें जो मर्जी आप उसको दें या हीलिंग दे किसी टाइप की, ता, की. पर उसमें फिर पाइप ऑल टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम आता है वो कहां से आता है वी कॉन्ट हैव द कॉन्प्ट ऑफ डिविनिटी और गॉड पर हमारे को ये जरूर पता है कि मेरे टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है वो कहीं सेटेलाइट है आसमान में जिसको मैं देख नहीं पाता वो आता कहां से है? किसी वेव्स के थ्रू आता है वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं वहां पे पूरी साइंस चल जाती है बट वेन इट कम्स टू ए बिलीव इन योर ओन गॉड और योर ओन डिविनिटी वहां पे फिर हम कहते हैं नहीं भैया दिस इज निकाइव परसेंट और मोर ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज डार्क मैटर it cannot be detected by any instrument of observation i not not only that which is not invented it is impossible you know one thing is knowable one is unknown jo unknowable 85% is unknowable Okay, kabhi chalega and they have the effect those black holes they suck stars galaxies Maha हम कहते हैं कयामत है अरे वो उनकी रोज कयामत हो रही है वहां पे उन विश्वों की उस दुनिया की जहां पे वो क्रिएशन है सब जगह वो प्रलय आ रहा है ये सब जानते हुए हमारा कितना रोल बनता है ओके सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिल्ट इन दैट यू नो थैंक यू सर सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट सम पीपल गेट स्ट्रेस्ड बट डू नॉट शोकेस इट टू अदर्स How these people can cope up, or likely there are how likely there are chances to get it into depression. This is my question. not from audience. See, the moment you go into suppressing your feelings and not dealing with them, opposite of suppress is not express It is how you are able to deal with them. Every kind of a pain, just like a pain hai. A pain killer in the long run, bura kyung. That that, there is something wrong inside the the body. However, if if we are not ready to attend to attend then the pain loses its meaning. No, if I am thermometer तो, तो वही रहेगा थर्मामीटर मैंने तोड़ दिया वैसे ही जब हमको कोई भी तकलीफ होती है मानसिक हो शारीरिक हो आत्मिक हो कोई भी चीज है उसका क्या मतलब है वी हैव टू टेक अर्स करेक्शन

मेरे अंदर भावना आ जाती है अरे मैं ओल्ड मैं जो है वो सेकंड फ्लोर की आगे सीढ़ी नहीं चढ़ सकता मैं हाफ लग पड़ता हूँ अब मैं वो प्रोग्राम देखता हूँ तो से नफरत करना शुरू करता हूँ दूसरा मेरे को गिल्ट आ जाता है मैंने मैंने जवानी में खूब एक्सरसाइज की होती uh, see, that, accept, उनको, उनकी सेहत मुबारक मुझे मेरी करामत जो है मुबारक आई कॉन्ट बी कम डाउन टू दिपल थिंग नॉट हम एक यूनिक इंसान है फिर हमको जो है वो यूनिकियत जो हमारी है जो खासियत है हमारी वो तो हमें एटलीस्ट प्राप्त होनी नहीं है ओके वी मस्ट एक्सेप्ट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट थैंक यू सो मच यस सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर इसमिली से बिलोंग करते है लेकिन हमारे रोज के जीने में जो स्ट्रेस uh, निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग से जीने, जीने के लिए कुछ एक लास्ट की मैसेज आप क्या देंगे सर देखिये मैं आपको एक बात बताऊ सर ऐसा कोई भी इंसान हर एक इंसान जो पैदा हुआ है Sure. वो एक गारंटी के साथ पैदा हुआ है यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट ही प्रोग्राम ऑफ डेथ सो डेथ इज वी शुड बी एबल टू डिस्कस दैट ओपनली एंड विदाउट शेम अमंगस्ट अवर सेल्फ दैट इज समथिंग अगर कोई कहता अरे शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ बोलो मरने मरने की बात मत करो Why is that? Isn't that part and parcel of evolution? I would like to see my child go from tricycle to bicycle, from bicycle to driving a car, from driving a car to flying an aeroplane, from swimming, from doing all these things. So, as far as that is concerned, that, that has to be accepted in life that life is going to come to an end. How it is going to come to an end? I will tell you one thing. एक सिंपल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर पे एज ऑल फैमिली मेंबर्स एंड दैट एक्सरसाइज इज ट्राई टू स्वॉप योर रोल कोई एक आप लीजिए कि भी मेरे पड़ोस में एक मिस्टर मल्होत्रा रहते हैं वुड आई लाइक टू हैव मिस्टर मल्होत्रा लाइफ सब कुछ उसके साथ पूरा पैकेज आएगा ये नहीं कि मेरे को मल्होत्रा जी की जेब में कितने पैसे पड़े वो मेरी जेब में आ जाएं मुझे उनकी बीवी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कुछ कहेंगे लोग अच्छा ठीक है यार बड़ी सुंदर है मुझे पसंद है उनके बच्चे आपको लेने पड़ेंगे अरे वही बच्चे जो आके तुम्हारा टीवी तोड़ के गए थे कुछ दिन पहले फिर आपको उनके नौकर भी लेने पड़ेंगे उनके एटीट्यूड भी आपको लेने पड़ेंगे आर यू रेडी टू चेंज दैट होल ये नहीं कि मेरे को इससे ये चाहिए उससे वो चाहिए कोई बुफे नहीं है लेना है तो पूरी थाली उठा के ले आओ ओके एंड देन अगर कोई वहां पे उसमें तीखी चीज है वो भी आपको खानी पड़ेगी दे हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट ये कोई मेरी बनाई हुई चीज नहीं है मैं अपना बुद्धि कम लगाता हूं मैं और बाकी विद्वानों से जो है वो ज्ञान लेता हूं ओके okay. और उसी को रिपैकज करके देता हूं सो दे हैव फाउंड दैट दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड आल्सो विद प्रोफेशनल्स एट द एंड ऑफ दैट सेशन दे सेड वी आर ओके एज वी आर सो दैट इज वन पार्ट सो अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल बच्चों से अलग हैं पेरेंट्स भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं स्पोर्ट्स के टाइम तो बच्चों को भी अलग फील होता है कि मुझ में कोई कमी है ऐसी फीलिंग को किस तरह हैंडल करें उनको एक बात बतानी पड़ेगी कि हमारे सब में कमियां हैं कमियों का दर्शन देख के हमको कोई फायदा नहीं है हमें हमारी स्ट्रेंथ देखनी है मैं अगर जेब में मेरे दस रुपए हैं और मैं बाहर जाता हूं और मुझे भूख लगती है मुझे क्या देखना पड़ेगा अरे मेरे जेब में दस रुपए हैं मैं दस रुपए तक का खाना ले सकता हूं दूसरा आदमी है उसके जेब में हजार रुपए पड़े हैं उसको और ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा मरूंगा और उसको खाने को मिलेगा आई कैन स्टिल टाइम इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू पुना एक बीच में एक फेमस ज्वाइंट आता है कोई, ये वाला। वहां पे चाहे दस हजार रुपए का कमरा लेने वाला होटल का आदमी होगा वो भी वही वड़ा पाव खाएगा दस रुपए का जो आप खाओगे

एंड दूसरी चीज मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा आपने कहा था वॉट वुड यू लाइक टू से क्लोजिंग रिमार्क इजरसाइज ऑफ ग्रेटिट्यूडेट टू टीच अवर चिल्ड्रन मेरीट्यूड आते जाते अगर हम खुदा को हाथ जोड़ के याद करके बोलेंगे कि वी थैंक यू एंड देव टू मेक इट इंडिट दे कैन जस्ट फील ग्रेटिट्यूड फॉर सम this person helped me हम थैंक यू तो बोल देते हैं डज इट कम फ्रॉम द हार्ट इट डज नॉट वो मन ही मन में बोल लो अब जैसे मैं राम कर जी हैं अगर मैं बोल दूं थैंक यू वेरी मच मैं अंदर से फिर मुझे वो सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा बाद में लिखना पड़ेगा और वो क्या होगा कि राम कर जी आपने मुझे ये मौका दिया जिसकी वजह से मैं अपना संदेश ही नहीं मैं लोगों से सीख पाए मैं आप देख पाया कि जो स्वयं िक uh, हैं, वो आज ऑफिस बेर वहां पे और दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मैं तो सैनिक की तरह मानता हूँ, सैनिक वो नहीं है जो सियाच्लेश्सर यूर सेल्फ हिमोफिलिको है केस ऑफ आई थिंक उमािकल ऑफ यूर सोल्जर्स So I would express if I have to end this meeting today, I will say, not that, it is a great moment, you know, you told in the beginning pura bharata, but I'm not that. Gratitude is, aray, I was able to meet people. I would say I am feeling small in front of all the people who are sitting over there in the audience who i cannot see and the people across on the screen that i can see that these are the peoples i would like to emulate in my own life these are the inspirational figures in some way or the other you see when the introduction was going on i felt so embarrassed and so small that uh, anita had to tell so much about me whereas the actual thing is

हम ये नहीं कर सकते कि हम दस लोगों को इकट्ठा कर ले लोगों के पास टाइम नहीं होता वो टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसके लिए एक सरल मेथड जो है वो है जर्नलिंग जर्नलिंग मतलब पुराने जमाने में आपने देखा होगा हिंदी फिल्म में डायरिया लिखते थे अंग्रेजी पिक्चर में भी होती थी वो डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है भले आप उसमें यू स्टार्ट में इमोशन दैट यूर अंडर गोइंग यू कैन जस्ट मेक अ मेंशन ऊपर एक डेट अली आज की तारीख है इलेवन एट फोर 21. Okay. And that person can say 3 p.m., angry. Finished. You have seen that anger come onto the paper. You have recognized that. You have come into a state of awareness. That was that 10 second moment when you elicited that relaxation response. Slowly, you will find that this diary will build up. Anything it can be, frustrated. Why? Then you can write down. I am being disturbed. This, 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 this. Then you can review your diary. As a matter of fact, just putting those words over there, they get a life of their own, and the healing starts from there. Then we can gather. Oh, I was angry on that day, but I didn't say why. Why was I angry? What is there to be angry about? That means no reason. After a month, when you review, you can say, angry at 3 p.m. on 11th of uh, August uh, April. No reason written.

एक्सरसाइज करते थे दे कमिटेड सुइसाइड दे जंप्ड ओवर द बोट एट नाइट सो जर्नलिंग इज एक्चुअली अ रिमाइंडर टू आवर सेल्फ सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट यू नो दैट्स अनदर गुड एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल एज अ स्ट्रेस रिलीवर यस डॉक्टर अशोक सर लास्ट फ्यू मंथ वी विल डूइंग कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ वेबिनार चौदह महीने चौदह पंद्रह महीने से लास्ट

अभी हम इस सेशन का एंड की तरफ बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे उमस ग्रुप लीडर इंदिरा नायर मैडम को प्लीज गिव आउट ऑफ थैंक्स यस yes, इंदिरा मैडम थैंक यू रामू जी थैंक यू डॉक्टर अशोक राजगुरु इट वॉज अ वंडरफुल एंड वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और आपके सेशन से हमारे सारे जो व्यूवर्स है हेमोफीलिया कम्युनिटी है उनको डेफिनेटली बड़ा फायदा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है जैसे आपने थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए जैसे कि स्टीफन हॉकिंग कोविड नाइन्टीन का लर्निंग ग्री वो सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया so we are very thankful uh, to you okay. for your presentation uh -huh. and we are looking forward to your further sessions thank you sir and i would like to thank uh, mr mukesh garodia who is our president who always supports the women group and the uh, concerned topics you know for the webinars i would like to thank vpd Satyanarayanji G also uh, who has attended this session and who also encourages the women group similarly i would like to uh, thank rcc our rcc ramu gadkar who is also there for the women group always and uh, uh, usha madam is always there a mentor for us who is there to guide us so thank you usha ma'am and thank you all the uh, thank you sonal ma'am also who is our very good uh, uh, chairperson so we would li really like to thank her and all the wg ad hoc members uh, anita madam for arranging such a good uh, webinar ruhi madam maya, maya madam nabila madam and uh, and uh, i would like to specially thank saurabh who has re who's a youth representative for helping the management of the event he has he is the backbone of all the events so thank you Saurabh. and uh, uh, last but not the least and they are the most important people for our webinar to be successful are our viewers our participants so i would like to thank the participants too for, uh, for attending this wonderful webinar thank you so much thank yes, you yes okay yes thank you Dr. And Dr. And Dr., if, uh... sorry yes, if i have yes, missed someone i am really thank uh, i am really sorry for that डॉक्टर अशोक सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें सेवनटीन अप्रैल वी आर सेलिब्रेट वर्ल्ड हीमोफिलिया डे तो आज के प्रोग्राम में आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उसका एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हमारे हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम पुणे टीम के पास भेजेंगे पुणे टीम आपको पर्सनल में हैंड कर देंगे तो so, आपका टूवर्ड्स ग्रेटिट्यूड ऑफ आवर हमारी तरफ से वो एक टोकन ऑफ अप्रीसिएशन रहेगा तो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर थैंक यू वेरी मच सर आज के सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का यस थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू और रूही जी ने एक सवाल पूछा था उसका मैंने प्राइवेट चैट में डाल दिया आंसर ओके थैंक यू वेरी मच